नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव इंडिया हिंदी में आपका स्वागत करती हूँ। आज 5 जून है, साल के छठवें महीने का ये पांचवा दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। आज के दिन देश दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, तो आइए नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया था। उसके बाद से हर साल इसी दिन यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। पर्यावरण दिवस की हर साल एक थीम रखी जाती है। डेनमार्क उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है। डेनमार्क ने लंबे समय तक बाल्टिक सागर को जाने वाले मार्गों को नियंत्रित किया है और इस जलराशि को डेनिश खाड़ी के नाम से जाना जाता है। डेनमार्क एक कृषि उपयुक्त देश है क्योंकि यहाँ की भू रचना इस प्रकार की है जो कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त है। आज ही के दिन 5 जून साल 1953 को डेनमार्क में नया संविधान लागू हुआ था। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत और राजनेता हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इन्होंने 19 मार्च 2017 को प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद यहां के 21वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। योगी आदित्यनाथ का जन्म आज ही के दिन 5 जून साल 1972 में हुआ था। रमेश कृष्णन टेनिस प्रशिक्षक और पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। रमेश कृष्णन ने अपने खेल से ये सिद्ध किया कि सही टाइमिंग और सटीक प्लेसिंग में खेल कर भी खेल को जीता जा सकता है। रमेश कृष्णन का जन्म आज ही के दिन 5 जून साल 1961 को मद्रास में हुआ था। ये राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचने वाले भारतीय टेनिस के ऐसे सितारे थे जो सेट पर हमेशा अनुशासित रहते थे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।